अगली सुबह सबके लिए बहुत टेंशन वाली थी, स्पेशली अपूर्वा और आरुषि के लिए, क्योंकि इन दोनों को इस गेम में बने रहने के लिए एक टास्क परफॉर्म करना था, और जो भी इस टास्क में अच्छा परफॉर्म करेगा वही इस जर्नी पे आगे जाएगा। बिग डे फॉर टुडे, वेरी बिग डे, यू गॉट टू विन इट, टू स्टे एंड टू प्रूव यू विल विन इट, आई नो यू गोना लाइक किक इट आउट। For sure. Take her out. For sure. Abhi bhi wo rodi nahi, but you're still a rodi. I was so sad because she has a chance of leaving, but I was very confident that she could beat Apurva in any single task at any day. Don't push yourself, okay? मुझे कहीं ना कहीं अपना गुस्सा चैनलाइज करना था, आई जस्ट डिडंट वांट टू वेस्ट इट, इसलिए मेरे पास जो अपूर्वा का वोट आउट कार्ड्स थे वो मैंने अपने टेंट में अपने सामने पिन कर दिए, ताकि आई जस्ट हैव वन टारगेट इन फ्रंट ऑफ मी टू जस्ट किल दैट ब्लडी गर्ल दैट डे। हम जैसे ही टास्क लोकेशन पे पहुंचे, हमने देखा कि इतना बड़ा सेटअप था और हम काफ़ी एक्साइटेड थे क्योंकि ये हमारा सर्वाइवल टास्क था। ऐसे लग रहा था अभी ये चांस मिला है बाय हुक और बाय क्रुक वापस आना है। अभी तक मैं टीम में परफॉर्म कर रही थी, बट टुडे वॉज द लास्ट चांस फॉर मी टू कम बैक इन द गेम एंड टू प्रूव माई सेल्फ। This is Oppo MTV Roadies Revolution, co-powered by Castrol Power One, Aloe Fruit Juice, and Manforce. आज आप छह लोगों के लिए बहुत important task है, जो हमारे Oppo MTV Roadies Battleground के finalists हैं, उनको मैं बताना चाहता हूँ कि ये आपका Oppo MTV Roadies Battleground का finale task है। ये जीत गए तो Roadies के अंदर आ जाओगे। Wow. आरुषि और अपूर्वा, आप लोगों के लिए एक सर्वाइवल टास्क है। यस सर। अगर आप जीत गए तो आप सर्वाइव करके वापस रोडीज पे आ जाओगे। आज दो टीम्स होंगी, एक टीम में होंगे एक बैटलग्राउंड फाइनलिस्ट लड़की, एक बैटलग्राउंड फाइनलिस्ट लड़का, और एक वोटेड आउट रोडी आरुषि या अपूर्वा में से। जो टीम जीतेगी वो रोडीज में। सिंपल। ओह गाइस, रोडीज के किसी भी टास्क में सिर्फ एक चीज की जरूरत नहीं पड़ती, स्ट्रेंथ की जरूरत पड़ती है, अजिलिटी की, बैलेंस की, दिमाग की, और जो हम एक बोलते हैं टास्क अवेयरनेस, इन सब की। आज के उस टास्क में ये सब चीजें टेस्ट होंगी। wow. Wow. Essentially, basic, जो basic है इस टास्क का, वो एक quiz contest है। सवाल जवाब। It was pretty clear कि आज का टास्क, I'm so sorry, but मैं तान्ने के साथ तो बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर रही। मेरी तो सिट्टी बिट्टी गुल हो गई, क्योंकि PI में जब मुझसे जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस पूछे गए थे तो मैंने उसमें काफी गंदा किया था, तो मेरे लिए बहुत ज्यादा चैलेंजिंग टास्क होने वाला था। Knowing this, अब आप टीम्स बना लीजिए। Sir, I would like to have Poonam and Prakar in my team. ठीक है। अपूर्वा? हाँ जी सर। आप बताइए। मुझे लगा हाँ अपूर्वा तो चलो मेरा नाम तो लेगी अपूर्वा, क्योंकि अब उसने प्रखर का नाम ले लिया तो मैं ही बचाऊं। सर मेरा चॉइस भी सेम है, प्रखर और पूनम। ओ वाओ, वो भी नाम लेती है प्रखर। अरे क्या गेम खेल रहे हो भाई साहब। आप बाकी दोनों को कैसा लग रहा है? शॉक्ड। शॉक्ड? या। वेलकम टू रोडीज गाइस, आई नो दैट फीलिंग। मैं सोचा भाई अब मैं जिसके साथ भी बचूंगा ना, मैं सबकी इतना मेरे को दिमाग में ना शौक आ जाता है, गुस्सा आ जाता है दिमाग में, वो था मेरे मन में। प्रखर एंड पूनम, क्या आप एक दूसरे के साथ परफॉर्म करना चाहते हो कि आपके
चॉइसेस भावेश या तानिया में से कोई है? सर मैं पूनम को पिक करूंगा अगर तानिया में ऑप्शन है, बिकॉज आई थिंक ये ज़्यादा अजाइल हैं एंड बात हुई हमारी एंड शी स्मार्ट टू, तो मैं आप बताइए आप क्या चाहते हैं कि आप किस तरह परफॉर्म करें बिटवीन द टू बॉयज? विद हिम। ओके, तो एक चीज एस्टैब्लिश होगी कि प्रखर और पूनम एक साथ परफॉर्म करेंगे, विच मीन्स भावेश और तानिया आपको एक चॉइस की तो मतलब बात ही नहीं है, नहीं आपको एक साथ ही परफॉर्म करना पड़ेगा। नाउ प्रखर एंड पूनम, दोनों लड़कियों ने जो वोटेड आउट रोडीज हैं, उन दोनों ने बोला कि वो आप दोनों के साथ परफॉर्म करना चाहेंगी। नाउ इट्स योर चॉइस। पूनम एंड प्रखर, मुझे लगता है कि आपको मुझे पिक करना चाहिए बिकॉज मैं पहले भी टास्क परफॉर्म कर चुकी हूँ और जीत भी चुकी हूँ, और अगर आप मेरी टीम में आएंगे तो इट विल बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग टीम। पूरा व्हाट इज योर से? यस, सो जैसे कि ये बोल रहे हैं कि इन्होंने परफॉर्म किया, यहाँ पे परफॉर्म सभी कर रहे हैं, ऑलराइट, और तुम लोगों ने मेरी बॉन्डिंग भी देखी है, इसकी भी बॉन्डिंग भी देखी है, सो आई विल रिक्वेस्ट यू गाइज, लिटरली बेग यू, मतलब मैं आपको प्लीड कर रही हूँ, प्लीज डेफिनेटली, मेरे को ऐसा लग रहा था कि प्रखर अच्छा परफॉर्म कर पाएगा एज कम्पेयर टू भावेश, और डेफिनेटली तानिया की जगह पे पूनम तो ऑब्वियस था मेरा चॉइस। आप किससे जाना चाहेंगी? मैं आरुषि को कल बोल चुका हूँ रात में, अगर ऐसा कुछ होता है तो मैं घर जाऊँगा। अच्छा, मैंने दोनों की पिचेस सुनी एंड विद द फैक्ट्स दैट दे आर स्टेटिंग कि इन्होंने ज़्यादा टास्क परफॉर्म किए और जीते हैं, तो हमारे चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे अगर हम उनके साथ जुड़ जाए और आज गेम में आ जाए। सो आई विल कास्ट माय वोट। दोनों अपने सहमति से आरुषि के साथ खेलना चाहेंगे। हम सहमति से आरुषि के साथ खेलना चाहेंगे ये टास्क। अब पूर्वा की शक्ल देखने लायक थी। प्रखर कहते हैं कि वो परफॉर्म करेंगे आरुषि के साथ। एज आई सेड, दिस वॉज इटसेल्फ एन आई ओपनर कि ये भी पुणे की गैंग में जा चुके हैं और इनका वही ग्रुप बन चुका है। उस टाइम पे मुझे बस ये था जो बंदा बेस्ट है उसके साथ परफॉर्म करूंगा, क्योंकि मुझे इस जर्नी में अपनी जगह बनानी थी बॉस। आरुषि यू आर हैप्पी? जो चॉइस आपको चाहिए थी मिल गई। अपूर्वा आप जाके भावेश और तानिया के साथ खड़े हो जाइए। नो प्रॉब्लम, नो फील्स, ठीक है। टास में जो लड़के होंगे वो एक जगह पे खड़े होंगे और उनको सामने प्लैकार्ड्स पे सवाल पढ़ने हैं, लेकिन इतनी दूर से वो सवाल पढ़ नहीं पाएंगे, तो वहीं पर उनका ओप्पो F15 काम आएगा। सबसे पहले आप अपने ओप्पो F15 को उसके इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर से अनलॉक करेंगे। सिर्फ 0.32 सेकंड्स लगते हैं, जल्दी से खुल जाएगा। फिर आप ओप्पो F15 के 48 मेगापिक्सल क्वाड कैम से जब आप जूम करोगे तो आपको वो सवाल दिखेगा, और इसमें जो जूम है बहुत क्लियर रहता है, बिल्कुल भी डिस्टॉर्ट नहीं होता है। जब आप वो सवाल पढ़ लोगे तो आप उसका एक स्नैपशॉट ले लेना या फोटो ले लेना, सो दैट यू नो वो सवाल क्या है। फिर आपको अपने टीममेट के पास जाकर उस फोटो को फ्लॉन्ट करना है, लेकिन हर बार सवाल बताने का एक टैक्स है, आपके कंधों पे होगा एक तराजू। जब भी आप सवाल बताने के लिए आएंगे उस तराजू में एक ईट एज टैक्स भर दिया जाएगा। तो पहली बार जब आप शुरू करोगे तो उस पर ऑलरेडी 3 ईट है, तो 4 ईट हो जाएंगे। सेकेंड सवाल में 5, ऐसे करते करते 7वें सवाल तक 10 ईटें हो जाएंगी। आपको अपने कंधे पर पकड़ के लेके जाना है वहां पर, उनको सवाल बताना है, और वो इस ईंट का, जो ईंट के दो रूम बने हैं उसमें से एक रूम है जो फाइनलिस्ट है बैटल ग्राउंड की, वो लड़की जो आपकी टीममेट है वो अंदर होगी, वो उनको जाके वो सवाल बताएगी। उस सवाल के आंसर उनके सामने वाली जो वॉल है उसमें बहुत सारी ब्रिक्स पे लिखा हुआ है, लेकिन उस पर बहुत सारे सवालों के जवाब है, लेकिन सही जवाब भी वहां पर है, तो अगर उनको लगता है कि ये सही जवाब है तो उस ईंट को पुश करेंगी। जब वो ईंट बाहर आती है उसमें एक आंसर होगा, जो हमारी वोटेड आउट रोडी है उनको आंसर देखना है। अगर उनको लगता है कि उस सवाल का वो सही जवाब है तो यहां पर वुडन प्लैंक पे लिखेंगी यस। अगर आंसर सही होगा और आपका अनुमान भी सही होगा कि हाँ ये सही आंसर है, तब आपको मिलेगा 1 पॉइंट।